नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बारिश की, क्योंकि धौलपुर में रात भर मूसलाधार बारिश के चलते एक तरफ मौसम सुहाना हो गया है तो दूसरी तरफ सड़कें दरिया बन गई हैं। शहर की सड़कों पर पानी भर जाने से सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सबसे बुरा हाल शहर की निचली बस्तियों का रहा, जहां घरों में पानी भर जाने से लोगों को खासी परेशानी हुई है और सड़कों पर भरे पानी में वाहन बंद हो गए, जिन्हें धक्का देकर बाहर निकाला गया। शहर के जगन चौराहा, हरदेव नगर, आरएसी रोड, तिलया कोच परिसर समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। संतोषी माता मंदिर में जलभराव की स्थिति देखी गई है। शहर की सड़कों पर जलभराव की समस्या को लोगों में आक्रोश दिखा है। तेज बारिश होने के कारण माता जी के मंदिर के अंदर में 2-2.5 फुट पानी अंदर पहुंच चुका, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा के अंदर में विशेष परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। ये पानी हमेशा ही भरा आकर भर जाता है, पानी का कहीं पर भी निकास नहीं। धौलपुर में बुधवार देर रात से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक जारी रही। रात भर हुई बारिश के बाद धौलपुर शहर में जगह जगह जलभराव के हालात हो गए। शहर के गली मोहल्ले के साथ ही हाईवे के सर्विस रोड पर भी पानी भर गया, जिसके चलते लोग गंदे पानी के बीच निकलते हुए दिखाई दिए। धौलपुर शहर में देर रात से बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार रात भर मूसलाधार बारिश पड़ी है और ये आप धौलपुर की ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये धौलपुर की ये कोर्ट परिसर में हम मौजूद हैं। ये कोर्ट परिसर है, यहाँ पर जो वकील हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके जो फर्नीचर हैं वो करीब आधे आधे डूब चुके हैं। देखिए, ये कोर्ट परिसर की ये स्थिति है। धौलपुर शहर पूरा जलमग्न हो चुका है। मैं यहाँ पर, ये संतोषी माता का मंदिर है कोर्ट परिसर में, यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। इस मंदिर में पानी भर चुका है, पूरा जलमग्न हो चुका है। जो मूर्तियाँ हैं शिवजी की, जो शिवजी का जो परिवार था वो पूरा डूब चुका है। यहाँ पर जो कोर्ट परिसर में जो वकील आए हुए हैं अधिवक्ता, इनसे ही जान लेते हैं कि क्या स्थिति है, कैसे काम कर पा रहे हैं। पानी भरा हुआ जी, स्थिति तो आप देख ही सकते हैं आपके सामने कि पूरा पानी भरा हुआ है। ना कोर्ट में आने की जगह है, ना जाने की कहीं जगह एग्जिट नहीं है। कहीं कोई सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं है कि कहीं कोई सप्लाई मतलब निकलने की व्यवस्था हो पानी के। यहाँ आप देख सकते हैं इस साइड के पूरा का पूरा पीछे का जो एरिया वो इतना भरा हुआ है कि बड़े बड़े अगर 5-5 फुट 7-7 फुट चैम्बर भी अगर ऊपर उठा हुआ है 4 फुट भी, तो वो भी मतलब उसके अंदर भी पानी घुस चुका है। जो तस्वीर है ये कोर्ट परिसर की तस्वीर है। यहाँ पर जो वाहन है वो आधे आधे यहाँ डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जो बाइकें हैं वो डूब चुकी हैं। यहाँ पर जो मंदिर परिसर था वो भी जलमग्न हो चुका है। जो नगर परिषद है, लोगों का कहना है कि नगर परिषद ने नालों की सफाई नहीं कराई, इस चक्कर से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल बदहाल नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो धौलपुर में, पूरे धौलपुर में पानी भरा हुआ है। हरबीर शर्मा, न्यूज 18 धौलपुर। और चलिए अब खबर आपको जयपुर से देते हैं, जहां रिमझिम बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। तो जयपुर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हल्की बूंदाबांदी का दौर लगातार जारी है और जगह जगह पानी भर गया है, जिससे आवागमन करने में भी हालांकि मुश्किलें हो रही हैं और कई इलाकों में तेज बारिश भी हो रही है। लेकिन मौसम में तब्दीली जरूर देखने को मिली है। इस बारिश के बाद ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई जगह पर पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बारिश के बाद मौसम जरूर बदला है। मौसम में थोड़ी ठंडक जरूर महसूस हो रही है, क्योंकि गर्मी से लोग परेशान थे और बारिश का इंतजार कर रहे थे। ये एक तरफ आफत तो एक तरफ साफ तौर पर राहत भी लाई है। झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सुबह करीब 10:30 बजे के बाद शहर के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। हालांकि तेज बारिश नहीं होने के कारण जलभराव की स्थिति जैसी शिकायतें जो है वो नहीं मिल रही है और यातायात हल्का जरूर हुआ है, हल्का प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन उस प्रकार की कंडीशन नहीं है कि जाम जैसे हालात जो है वो कहीं से भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन खास बात यह कि इस बारिश के चलते मौसम जो है वो सुहावना हो चुका है और कई लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, इस मौसम का लुत्फ जो है वो उठा रहे हैं। चाहे पकौड़ियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, चुस्कियों का जो दौर है चाय की, उसका दौर शुरू हो चुका है। जिस प्रकार का मौसम विभाग ने कहा था कि
अब अगले 4-5 दिन राजस्थान में मानसून जो है वो मेहरबान है और इसी प्रकार की बारिश लगातार देखने को मिल सकती है। सौरभ ग्रहसी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। खबर धौलपुर से आपको देंगे, जहां रात भर हुई मूसलाधार बारिश से मौसम तो सुहावना हो गया है, लेकिन भारी बारिश ने शहर की सड़कों को दरिया बना दिया है। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर जाने से स्कूल जाने वाले बच्चे और आम जन को आवागमन में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं सबसे बुरा हाल निचली बस्तियों का हो रहा है, जहां गली मोहल्ले और घरों में पानी भर जाने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नगर परिषद के सिस्टम की भी पोल खुलकर सामने आई है। आलम यह रहा कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पानी से निकलते समय ही बंद नजर आए, जिन्हें धक्का लगाकर पानी से बाहर निकाला गया। तेज बारिश होने के कारण माता जी के मंदिर के अंदर में 2-2.5 फुट पानी अंदर पहुंच चुका, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा के अंदर में विशेष परेशानियां देखनी पड़ रही है। ये पानी हमेशा ही बढ़िया आकर भर जाता है, पानी का कहीं पर निकास नहीं। वहीं भरतपुर में लगातार हो रही भारी बारिश, रात भर हुई बारिश की वजह से कई जगह पानी भर गया है। हालांकि लगातार बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव से हालात बिगड़ गए हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। लगातार देर रात से ही बारिश हो रही है, रुक रुक कर हो रही बारिश से कई जगह जलभराव के हालात बने हैं और ऐसे में ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अब थोड़ी बारिश रुकी है, तो ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकल अपने कामकाज के लिए अब जा रहे हैं। ये भरतपुर शहर का जो इलाका है, यहाँ पर हल्का जो पानी आता है उसके बाद ही जलभराव की स्थिति बन जाती है और ऐसे में लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। हालाँकि प्रशासन द्वारा जो पंप हैं उनसे पानी को निकालने की जो कोशिश है वो निकासी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हालात हैं वो जलभराव के देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं उनको बड़ी परेशानी आ रही है। चाहे वो दुपहिया वाहन चालक हों, चाहे पैदल चलने वाले राहगीर हों, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर निकल पा रहे हैं क्योंकि नीचा इलाका होने के कारण यहाँ पर पानी भर जाता है और ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी जो है वो लोगों को पानी भरने के कारण अब हो रही है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि जिला मुख्यालय पर थोड़ी बारिश अभी थमी है, लेकिन फिर भी हल्की बारिश का जो दौर है वो जारी है। भरतपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो जलभराव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पिछले 3 दिनों से 8 से 10 घरों के परिवार बारिश के पानी में कैद है। रतन बाल स्कूल सहित 8-10 घरों के परिवार पानी से घिरे हुए हैं, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद स्कूल और घरों की दीवारों में दरार आ गई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। घरों के चारों तरफ पानी आने से घर गिरने का लोगों को काफी डर सता रहा है। जल्द पानी की उचित जगह से निकासी नहीं की गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोग पिछले 3 दिन से प्रशासन से पानी निकासी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेने पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन के बाद भी प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। पानी पसड़ा इन्हें ला गया, बस ये पड़ी है। प्रशासन ने फोन कर दियो, इन्हें सरपंच साहब ने फोन करियो, फोन उठाया को नहीं। वो हाल है, मकान पूरा पड़नाड़ो है। देखो हाल, देखो वो गाड़िया खड़ी है, मायने बीमार आदमी है, गाड़ी को निकाल सके। और अब खबर करौली से है, जहां 2 दिन से जारी है बारिश का दौर। बारिश से शहर की सड़कें लबालब हुई हैं, लोगों के घरों में पानी भर गया है। तो करौली से बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आपको जानकारी दे दें कि 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है और निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बारिश से शहर की सड़कें लबालब हो गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं लोगों के घरों में पानी भर गया है और इस तरीके के हालात जो है वो साफ तौर पर पैदा हो रहे हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, मंत्री मदन दिलावर ने बांग्लादेश मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने सलमान खुर्शीद के बयान को अराजक बताया। उन्होंने कहा कि अराजक तत्व ही ऐसी बातें करते हैं, सलमान खुर्शीद का बयान देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। बांग्लादेश का जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के लगातार बयानबाजी हो रही है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता, पूर्व विदेश मंत्री, उनका भी एक बयान आया है कि ऐसा भारत में भी हो सकता है।
बांग्लादेश में हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सलमान खुर्शीद जी का ये कहना कि यहाँ भी हो सकता है, ये अराजक तत्व ही ऐसी बात कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। क्या कुछ कहेंगे सर, बांग्लादेश जैसी स्थिति हालात है और जब हमेशा बात होती है उसके बाद में ऐसा देखने को मिला है कि सभी जो लोग हैं शरण लेने के लिए हिंदुस्तान की ओर देखते हैं। हिंदुस्तान ने आज तक सबको शरण दी है। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर एसएमएस में बिजली गुल, धनवंतरी ब्लॉक में करीब आधे घंटे बिजली गुल रही है। बिजली गुल होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो एसएमएस में बिजली गुल की शिकायतें सामने आ रही है और बिजली गुल होने से मरीजों को जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धनवंतरी ब्लॉक में करीब आधे घंटे बिजली गुल रही है, तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। बिजली गुल होने से मरीजों की दिक्कतें जो है वो बढ़ गई है। धनवंतरी ब्लॉक में करीब आधे घंटे बिजली गुल रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एसएमएस में बिजली गुल होने से काफी दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली नहीं होने के चलते उनके कोई भी काम नहीं हो रही हैं और बड़ी दिक्कत जो है सामने आ रही है। करीब आधे घंटे से बिजली गुल है, धनवंतरी ब्लॉक बताया जा रहा है जहां पर आधे घंटे बिजली गुल रही है। सौरभ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। सौरभ, एसएमएस में बिजली गुल का मामला सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए करीब आधे घंटे धनवंतरी ओपीडी जहां पर आउटडोर मरीज जो है वो दिखाने के लिए आते हैं, वहां पर जो है वो बिजली गुल रही है, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ा, क्योंकि इस दौरान मरीजों को ना सिर्फ दवा काउंटर से दवाएं लेनी पड़ती है, परामर्श के लिए भी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, इस लिहाज से बिजली जाने से उनकी दिक्कतें जो है बड़ी है। लेकिन खास बात यह है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, आजकल पिछले दो तीन दिनों से देखने को मिल रहा है, लगातार इस प्रकार की शिकायतें जो है वो आ रही हैं। पिछले दिनों करीब एक से डेढ़ घंटे तक अस्पताल में बिजली गुल रही, जिसके चलते जो इंडोर मरीज है, खासतौर पर न्यूरो सर्जरी के जो मरीज है, उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ा था। लेकिन अस्पताल प्रशासन जो है वो कोई विशेष ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आमतौर पर अस्पताल में 24 घंटे बिजली सुचारू होने की व्यवस्था जो है वो की जाती है, उसके बावजूद इस प्रकार की घटना होना कई तरह से सवाल जो है वो खड़े करता, क्योंकि इससे मरीजों की कई बार जान भी आफत में आ सकती है। तो इस बारे में अस्पताल प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि पिछले दिनों भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए। डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, मंदिर में मिले मांस के टुकड़े। ओबरी गांव के गणपति मंदिर में मांस के टुकड़े मिले हैं, अज्ञात बदमाशों ने बीती रात डाले मांस के टुकड़े। आपको बता दें कि मांस के टुकड़े मंदिर में मिलने से लोगों में गुस्सा है, आक्रोशित लोगों ने ओबरी थाना पुलिस को ज्ञापन दिया है, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। तो आस्था के साथ खिलवाड़ का यह पूरा मामला सामने आया, जहां पर मंदिर में मांस के टुकड़े मिले हैं और आक्रोशित लोगों ने पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। और अब खबर अलवर से आपको देंगे, जहां राजगढ़ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जर स्थिति होने के कारण गत सत्र से किराए के भवन में संचालित हो रही है। वहीं राज्य सरकार को इस संबंध में बार बार प्रस्ताव बनाकर भेज दिए गए हैं। विद्यालय भवन को संबंधित अधिकारी ने जर्जर घोषित कर दिया। एक तरफ भवन का जर्जर होना एवं दूसरी ओर स्कूल में स्टाफ की कमी है, जिससे स्कूल में नामांकन में भी कमी होती जा रही है। पिछले सत्र में करीब 70 नामांकन थे, लेकिन इस सत्र घटाकर 60 ही नामांकन रह गए हैं, क्योंकि कक्षा 2 से 8 तक के विद्यार्थियों को सिर्फ 2 ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जिनमें एक शिक्षिका है जो कि प्रधानाध्यापिका का भी कार्य करती हैं और एक शिक्षक भी है। हमारे स्कूल का ये जो भवन है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ये कमरे इधर तीनों चारों कमरे ये बिल्कुल ऐसी अवस्था है जो हमको इससे खतरा है, कभी भी ये गिर सकते हैं। अलीबक्स स्कूल में जो भवन है उसकी स्थिति को देखते हुए बच्चों के अध्ययन के लिए हमने पास में एक भवन किराए के रूप में लेते हुए विभाग द्वारा आगामी व्यवस्था होने तक। सीकर में एक मास्टर प्लान के विरोध में बाजार पूरी तरह बंद है। अलग अलग संगठन मास्टर प्लान का विरोध कर रहे और प्लान का विरोध तब से ही हो रहा है जब से इसे बनाया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मास्टर प्लान से खाटू श्याम जी के लोग चौपट हो जाएंगे।
सीकर में नए मास्टर प्लान का विरोध। खाटू श्याम जी बाजार पूरी तरह बंद। अलग अलग संगठनों ने किया बंद का आह्वान। खाटू श्याम जी के दर्शन करने हर रोज भक्तों की भारी भीड़ आती है, लेकिन गुरुवार को भक्त परेशानियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि मास्टर प्लान के विरोध में खाटू श्याम जी के बाजार पूरी तरह बंद है। विभिन्न संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद किए गए। इतना ही नहीं, बंद को समर्थन करने वाले लोग घूम घूम कर दुकानों को बंद करवा रहे हैं। हालांकि खाटू श्याम जी मंदिर दर्शन के लिए खुला है। प्लान के विरुद्ध जो आज बाजार बंद की स्थिति है, पूर्णतया शांतिपूर्ण तरीके से पूरा बंद है और इससे गांव वालों का समर्थन भी है। और आगे इस पर भी सांकेतिक ये धरना हमारा बंद था, अगर इस पर सरकार विमर्श करके इसको मास्टर प्लान को निरस्त नहीं करती है तो हमारा आगे एक बड़ा आंदोलन करने का विचार है। जानकारी के मुताबिक खाटू श्याम जी का 2041 का मास्टर प्लान सरकार की तरफ से बनाया गया। जब से ये मास्टर प्लान बनाया गया है तब से ही इसका विरोध हो रहा है। सभी राजनीतिक दल और स्थानीय संगठन इसके विरोध में उतर गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद किए जाएंगे। 2041 का जो प्रारूप आया है वो खाटू श्याम जी को उजाड़ने वाला प्लान तैयार हुआ है, इसलिए उसके विरोध में खाटू श्याम जी आज संपूर्ण बंद है। और इसी प्रकार अगर हमारी राज्य सरकार इस खाटू श्याम जी मास्टर प्लान को रद्द करने के बारे में नहीं विचार करेगी और इसको रद्द नहीं करेगी तो आगे खाटू श्याम जी की वासी, खाटू श्याम जी के निवासी बड़ा उग्र आंदोलन करने की योजना बना के और बड़ा आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। मास्टर प्लान 2041 के विरोध के लिए 51 सदस्यों की संघर्ष समिति बनाई गई है। लोगों का आरोप है ये प्रारूप एक कंपनी ने बनाया है। विरोध कर रहे लोगों का साफ कहना है कि इस प्लान में खाटू श्याम जी की एक इंच जमीन भी नहीं जाने देंगे। इस मामले में नगर पालिका भी आम लोगों के साथ है। आइए अब आपको मास्टर प्लान 2041 के विरोध की वजह बताते हैं। इस मास्टर प्लान के तहत सड़कों को 80 से 100 फीट चौड़ा किया जाएगा। लोगों का आरोप है कि ऐसा करने पर उनके घर और दुकानें टूट जाएंगी। मंदिर के दक्षिण की तरफ का पूरा इलाका खाली करवाने का भी प्रस्ताव है, इससे भी कई लोगों के घर और मकान टूट रहे हैं। सुविधा के नाम पर स्थानीय लोगों और किसानों की काफी जमीन अधिग्रहण करने का भी प्रस्ताव है। स्वामी की ठाड़ी के पास जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव है, उसका भी विरोध हो रहा है। बहरहाल खाटू श्याम जी के बाजार बंद होने से श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है, ऐसे संकेत भी दिए जा रहे हैं। सीकर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। कोटपुतली से बड़ी खबर आपको देंगे। क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम लग गया है। हाईवे और सर्विस लेन पर जल भराव और गड्ढों से जाम की स्थिति बनी है। वाहन चालकों और यात्रियों को परेशानी हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं जहां पर जयपुर दिल्ली हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। दरअसल भारी बारिश लगातार हो रही है जिसके चलते जाम लग गया है, गाड़ियां पास नहीं हो पा रही हैं और काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, हीरालाल संवाददाता हमारे साथ है। हीरालाल, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या बारिश अभी भी हो रही है, जाम अभी भी लगा है क्या? बारिश का दौर है जो क्षेत्र में लगातार जारी है, रुक रुक के बारिश हो रही है। बारिश के चलते जो NH 48 है, जो जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पे गड्ढे हो गए हैं और यहाँ जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी जिसकी वजह से जो वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और जो फ्लाईओवर है वहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसका भी एक कारण यह है कि जाम लग रहा है और बड़ी संख्या में जो वाहन है वो रेंग रेंग के चल रहे हैं। फिलहाल मौके पे जो वाहन है रेंग रेंग के चल रहे हैं, लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। सूचना पर जो पुलिस अधिकारी और जो NHAI के प्रशासन है वो मौके पे नहीं पहुंचा है। जो जाम की स्थिति उससे कई यात्री और वाहन चालक फंसे हुए हैं। ठीक है, क्या लग रहा है कि ये जाम कितना लंबा हो सकता है?
बारिश के चलते जो हाईवे पे गड्ढे हुए हैं, जलभराव की जो समस्या हुई है, जो फ्लाईओवर है उसपे करीबन 2 से 3 किलोमीटर का जाम बताया जा रहा है, जिसमें जो वाहन है जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, 2 से 3 किलोमीटर तक वाहन जो रेंग रेंग के चल रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित देश के 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट पर 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा की खाली हुई सीटों को भरने के लिए बुधवार को निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें प्रदेश की भी एक सीट शामिल है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद खाली हुई है। वेणुगोपाल का कार्यकाल 21 जून 2026 तक का था, लेकिन केरल की अलापुझा सीट से लोकसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। अब नियम के मुताबिक सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 21 अगस्त तक जारी रहेगी। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 27 अगस्त तक वापस होगी, 3 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, शाम 5 बजे नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। प्रदेश में बीजेपी के 115 विधायक हैं, जबकि गठबंधन नेताओं को मिलाकर कांग्रेस विधायकों की संख्या 74 है। इस लिहाज से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस की सीट के बीजेपी के खाते में जाने के पूरे आसार हैं। अगर ये आकलन हकीकत में बदलता है तो बीजेपी और कांग्रेस के खाते में बराबर सीटें हो जाएंगी। मौजूदा वक्त में राजस्थान की 10 राज्यसभा सीटों में से 6 कांग्रेस के पास हैं, जबकि 4 बीजेपी के पास हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अरबाज की रिपोर्ट। जयपुर की कालाजीरा से बड़ी खबर है। लोहा ढलाई की फैक्ट्री में धमाका हुआ है। लोहा ढलाई करते वक्त भट्टी में हुआ धमाका। हादसे में करीब 11 मजदूर घायल हैं। करीब 9 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। कालाजीरा पुलिस मौके पर है और कालाजीरा थाना क्षेत्र के रिको एरिया क्षेत्र की पूरी घटना है। तो हादसे में करीब 11 मजदूर जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। लोहा ढलाई करते समय भट्टी में धमाका हुआ और इस दौरान करीब 9 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। कालाजीरा पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं, लोहा ढलाई की फैक्ट्री थी ये जहां पर तेज धमाका हुआ। उस वक्त मजदूर अंदर काम कर रहे थे, जिसमें से बताया जा रहा है कि 11 मजदूर ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, जिन्हें 9 को तो आगे रेफर कर दिया गया है जयपुर के लिए। और फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, राहत बचाव वहां पर कार्य किए जा रहे हैं। लोहा ढलाई करते वक्त भट्टी में अचानक से धमाका हुआ। इस दौरान मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, जिसमें 9 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। गंभीर घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 6 मजदूरों को SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर निकल कर सामने आ रहा है। 6 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें SMS अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ये साफ तौर पर ये जानकारी से सामने आ रहा है कि उनकी हालत गंभीर बनी है। वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश। कांग्रेस ने वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध किया है। किरण रिजिजू ने पेश किया वक्फ संशोधन बिल। ये बिल धार्मिक आजादी पर हमला। कांग्रेस की तरफ से कहा गया विपक्ष को मंदिर और संस्था का फर्क नहीं पता। JDU की तरफ से कहा गया ये बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। TMC की तरफ से कहा गया JDU वक्फ संशोधन बिल 2024 के साथ नजर है। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज ये बिल लोकसभा में पेश किया गया है। जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया लोकसभा में। किरण रिजिजू ने यह वक्फ संशोधन बिल पेश किया है। दरअसल इस पूरे बिल में कुछ बदलाव होने हैं, जिसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाएगा। वक्फ कानून 1995 में 44 संशोधन होने हैं और किसी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकेगा वक्फ बोर्ड, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड, जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। बिना सत्यापन जमीन नहीं ले सकेगा और दान का फैसला सिर्फ मालिक ले पाएगा। ये जानकारियां जो है वो बदल ली जाएंगी। फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की छूट रहेगी। हाईकोर्ट में जाने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा। तो ये कुछ संशोधन जो है वो बिल में किए जाएंगे। DM को वक्फ संपत्ति के सर्वे का पूरा हक है। बिना सत्यापन जमीन नहीं ले सकेगा कोई भी।
देखिए दान का फैसला सिर्फ मालिक ले पाएगा, ये जानकारी जो है सामने आई है, क्योंकि आपको बता दें कि इस बिल में संशोधन की मांग लंबे समय से की जा रही थी और ऐसे में अब जो है इस बार एनडीए की सरकार जो है इस बिल में संशोधन करने जा रही है और वक्फ संशोधन बिल आज पेश भी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि इस एक्ट में कितने बदलाव होते हैं, क्योंकि 44 बताए जा रहे हैं जो बदलाव है वो किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड की संरचना पर परिवर्तन होगा। और अगर अब आपको खबर टोंग से देंगे, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब 15 लाख रुपए की अफीम जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी की बाइक भी पकड़ी है और पुलिस टीम ने एक होटल के कमरे से आरोपी दुर्ग सिंह के कब्जे से 3 किलो अवैध मादक पदार्थ जब्त करने की कार्रवाई की है। इस अफीम की बाजार कीमत करीब 15 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच निवाय थाना अधिकारी को सौंपी है। होटल से तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर से एक बड़ी खबर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से खबर है। यूनिवर्सिटी के फिलोसफी विभाग में छत का प्लास्टर गिरा है, छात्रों ने भागकर अपनी जान बचाई है। केंद्रीय पुस्तकालय में 1 महीने पहले फॉल्स सीलिंग गिरी थी, मौके पर नहीं पहुंचा यूनिवर्सिटी का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी। तो देखिए लगातार फॉल्स सीलिंग गिरने के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये फिलॉसफी का विभाग है जहां पर छत का प्लास्टर गिर गया। हालांकि इस वक्त यहां पर छात्रों ने अपनी भागकर जान बचाई है, लेकिन ये साफ तौर पर एक खतरे की घंटी है, क्योंकि किस तरीके से यहां पर मरम्मत का कार्य किया जा रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए खबर दोपहर में, तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।